गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम बी ब्रोगली के तरंग सिद्धांत की इक्वेशन देखेंगे। बी ब्रोगली से पहले आइंस्टीन और प्लांक ने दो सिद्धांत दिए थे। आइंस्टीन ने द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में संबंध बताया था E बराबर MC स्क्वायर, और प्लांक ने तरंग की वेव फ्रिक्वेंसी और ऊर्जा के बीच में संबंध बताया था। तो दोनों संबंध ऊर्जा के बीच में हैं, ये कणीय सिद्धांत को परिभाषित करता है और प्लांक का सिद्धांत तरंग सिद्धांत को परिभाषित करता है। अगर दोनों की ऊर्जा बराबर हैं तो MC स्क्वायर और h nu भी बराबर होंगे। तो समीकरण नंबर एक और समीकरण नंबर दो को अगर हम इक्वल माने, क्योंकि दोनों ऊर्जा के ही समीकरण हैं, तो h nu बराबर MC स्क्वायर। अब एक C को पक्षांतर करके हम यहाँ लाते हैं h nu के नीचे, उसके बाद न्यू की वैल्यू क्या होती है, न्यू बराबर C/λ। ये वैल्यू जो यहाँ लिखी हुई है, न्यू बराबर C/λ। तो न्यू की जगह जब हम C/λ रखते हैं, उसके बाद C से C कट जाएगा और H/λ यहाँ रह जाएगा। तो H/λ बराबर MC हो गया। C यहाँ क्या है, प्रकाश का वेग। अगर प्रकाश के वेग की जगह हम द्रव कण के वेग का अध्ययन करें तो C की जगह हम लोग V भी लिख सकते हैं। तो MC की जगह MV लिख देंगे यहाँ, उसके बाद लेमडा का पक्षांतर करके यहाँ और MV का पक्षांतर करके यहाँ। तो फाइनल इक्वेशन आएगी हमारे पास लेमडा बराबर H/MV। क्या, लेमडा बराबर H/MV। अब MV किसकी बराबर होता है, आपने 11th में पढ़ा होगा P बराबर MV। P संवेग बराबर मास गुणा वेग। तो P बराबर MV, तो MV की जगह हम P संवेग भी लिख देते हैं। ये हमारी फाइनल डी ब्रोगली की समीकरण हो जाएगी। थैंक यू।